रस है या रसायन विज्ञान। आज लेसन का तीसरा दिन है, थर्ड लेक्चर है आज। तो हम लोग चल रहे थे वियोजन अभिक्रिया चल रहे थे, तो वियोजन में क्या है यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक पदार्थ के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ निर्माण होता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसका तीन भाग होते हैं, उस अभिक्रिया के तीन भाग होते हैं। तो कल पहला चल रहा था वैद्युत अपघटन, तो ऐसी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होती है, पूरा होती है, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो कल पढ़ाए थे कि सोडियम क्लोराइड का अपघटन और एल्मीना का वैद्युत अपघटन, कल दिए थे दो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तीन है आपको, एग्जाम्पल तीन है सी जल का, जल H2O, जल का वैद्युत अपघटन, जल का वैद्युत अपघटन जल H2O, जल H2O अपघटन। अब ठीक है, इसमें क्या देखो, ये सामने देखिए, सामने है, कैमरा तो सीख नहीं, कैमरा दर्शक अब कैमरे लगा रही है। जल का वैद्युत अपघटन ध्यान देना, एक पात्र में अम्लीय जल रखा जाता है, इसमें इसमें ग्रेफाइट का क्षार, जो ग्रेफाइट का क्षार होता है ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन के अपरूप में हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन, ग्रेफाइट मुलायम होता है, हीरा कठोर होता है।
इसको जोड़ते हैं सेल्स से, हाथ मैट्रिक सेलों के समूह को बैट्रिक कहते हैं। यहां सेल है, ये बैट्रिक है, सेल है, सेल के बैटरी कहते हैं। एक साइड बैटरी, ये 12 वोल्ट, एक ठिपकी 2 वोल्ट होता है, ये 6 ठिपकी है, 6 कैप है 12 बोल्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 बोल्ट, ये प्लस ये माइनस, इसको जोड़ते हैं इसको जोड़ देते हैं माइनस से, जो प्लस जुड़ता उसका नाम पड़ता है एनोड। अब माइनस से कैथोड, ये प्लस ही माइनस, ये प्लस यहां आवेश माइनस आवेश, ग्रेफाइट का अच्छा एनोड, प्लस कैथोड माइनस से ठीक है, कैथोड माइनस है, हाँ ये ग्रेफाइट का छर ग्रेफाइट का छर, इसमें इसको ढकते हैं, ये प्रखनली है, ये प्रखनली, अखनली है, अम्लीय जल, इसमें कुछ अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल मिलाने से विद्युत का सुचालक हो जाता है, एक पात्र अम्लीय जल इस अम्ल मिलाते हैं, ये प्रखनली, ये प्रखनली पात्र ग्रेफाइट का छर, ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट का छर, ये प्रखनली, देखिए कैसे
जल का होता वैद्युत अपघटन, यानी भविष्य में हम लोग जल से भी ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक, क्या है H2O? क्या देखो बताते हैं, एक पात्र में, एक पात्र में अम्लीय जल के साथ, अम्लीय जल के साथ अम्लीय जल के साथ ग्रेफाइट के दो क्षार को रखा जाता है, ग्रेफाइट के दो क्षार को रखा जाता है। इस क्षार को प्रखनली से नली से ढक दिया जाता है। एक क्षार को या दोनों क्षार को बता दिए थे, क्षार को सेल से जोड़ा जाता है। जो प्लस से एनोड, माइनस से कैथोड, एनोड और कैथोड है। अच्छा, अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन गैस बनता है, गैस निकलती है, यानी H2O जल, है, जल में दिए विद्युत धारा H2+O2 अपघटन हो गया, दो भागों में बढ़ गया, H2+O2। अब समझिए, तो जल दिए विद्युत धारा H2+O2, हाइड्रोजन है, बताए थे शुरुआत में परिचय में, हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व है और ऑक्सीजन ऋणात्मक तत्व है। ये धनात्मक, ऋणात्मक, ऑक्साइड ओ, एच जो है विद्युत धनात्मक है, ये आइए विद्युत ऋणात्मक है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वह प्लस है, धनात्मक है, वो उसको धन आवेश है। बताए थे आपको कि हाइड्रोजन के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह
अधातु है जो विद्युत का विद्युत धनात्मक होता है, इसलिए इसको धातु वर्ग में रखा गया। आवर्त सारणी में जहां धातु है लिथियम वगैरह उसी के साथ इसको रखा गया है, या धनात्मकता है और ऋणात्मक है। तो धनात्मक आपसे पूछेंगे, रुक जाइए, H2O2 बनता है, यहां लिखेंगे, रुक जाओ। तो हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है, अब बताओ तो H2O2 बन गया यहां। जब ये धनात्मक है, ये जमा होगा कैथोड के एनोड पर। जब धनात्मक है, एक रुक जाओ अभी, एक पात्र है जिसे अम्लीय जल रखा जाता है, जल रखा जाता है, इसमें ग्रेफाइट के दो छड़ को रखा जाता है, एक पात्र लिया जाता है जिसमें अम्लीय जल के साथ ग्रेफाइट का दो छड़ रखा जाता है, दोनों छड़ को प्रखंडी से ढक दिया जाता है, दोनों छड़ को सिल से जोड़ा जाता है, जो छड़ धनावेश जुड़ा तो उसको एनोड कहते हैं, और जो ऋणावेश जुड़ा तो उसे कैथोड कहते हैं। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो जल मर जाता दो भागों में, H2 और O2। अब घटन हुआ किसके कारण? विद्युत धारा के कारण H2 और O2 बनता है। लेकिन अब H2 विद्युत धनात्मक है, किया जाएगा एनोड पर कि कैथोड वाली, बोलो, विद्युत धनात्मक है, जमा होगा एनोड की कैथोड पर, कहाँ जमा होगा जी? कैथोड, हाँ राइट, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो विद्युत धनात्मक होता है, तो यह कैथोड युक्त प्रखनली में जमा हो जाती है, तथा ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक होने के कारण यह एनोड युक्त
प्लक नली में हो जाती है। इस प्रकार जल का वैद्युत अवघटन होता है। जल का वैद्युत अवघटन होता है प्रकार जल का वैद्युत अवघटन होता है। कितना आसान है। एक पात्र लिया जाता है जिसमें अम्लीय जल रखा जाता है। अम्ल क्यों दिए? कि विद्युत का सुचालक होने के लिए दिए अम्ल को। कि लेसन दो में पढ़ोगे अम्ल जल की उपस्थिति में विद्युत का परिचालन करती है करता है। इसमें जो ग्रेफाइट का छड़ है इसे प्रखनली से ढक दिया जाता है। जैसे इसमें विद्युत धारा देते हैं तो जल बढ़ता दो भागों में H2 और O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो H2 जो होता है विद्युत धनात्मक, हाइड्रोजन जो होता है विद्युत धनात्मक होता है। तो प्लस जमा हो जाता है किस पर? माइनस में। ऑक्सीजन ऋणात्मक क्योंकि O का वैलेंसी 8, 2 और 6, इसको 2 और चाहिए, ऋणात्मक है ऋणात्मक है, इसलिए यह एनोड युक्त प्रखनली में जमा हो जाती है। याद रखिएगा, कुछ चीज याद रखना चाहता है। हाइड्रोजन को विद्युत धनात्मक तत्व तो माना गया है, इसलिए उसको धातु वर्ग में रखा गया है। मतलब पढ़ा रहे थे कि हाइड्रोजन को कभी पहला वर्ग में धातु के साथ, कभी सातवां वर्ग में और धातु से रखा जाता था। उसमें दोनों गुण मिलता था। कि बाद में देखा गया इसमें विद्युत धनात्मक का ही गुण है, इसे उसको रखा आवर्त सारणी के रखा फर्स्ट वर्ग में धातु साथ रखा, इसलिए विद्युत धनात्मक होता है। तो हाइड्रोजन गैस विद्युत धनात्मक होता है या कैथोड युक्त प्रखनली में जमा हो जाती है। इस पर प्लस आवेश है तो यह जमा होगा कैथोड पर। यह जमा होगा एनोड पर। धनात्मक है धनात्मक है धनात्मक है तो जमा होगा, इसमें जमा हो जाएगा ही H2 गैस। यहां ये धनात्मक है ही एनोड, ये जमा होगा O2 गैस। इस प्रकार जल का वैद्युत अवघटन होता है। केमिस्ट्री को याद करना पड़ता है कि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व है और ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो धनात्मक है तो वह कैथोड पर वह समान आवेश आकर्षण। तो हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व है, इससे वह कैथोड युक्त प्रखनली में जमा हो जाती है। और ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए वह एनोड युक्त प्रखनली में जमा हो जाती है। इस प्रकार जल का वैद्युत अवघटन होता है। तो हम कंठस्थ कर देंगे, एक पात्र में अम्लीय जल रखा जाता है, उसमें ग्रेफाइट का दो छड़ इसे प्रखनली से ढक दिया जाता है, दोनों छड़ को सिर जोड़ा जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह H2 और O2 में बढ़ जाता है। यह जल का होता है, यह जल का वैद्युत अवघटन है। क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व है, इसलिए वह कैथोड युक्त प्रखनली में जमा हो जाती है। ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए वह एनोड युक्त प्रखनली में जमा हो जाती है। इस प्रकार जल का वैद्युत अवघटन होता है। अब यह अवघटन का
मैंने वैद्युत अपघटन का तीन एग्जाम्पल दिए। अब आ जाइए आप लोग, हाँ मैंने रासायनिक अभिक्रिया प्रकार चल रहा है। रासायनिक अभिक्रिया पहला बताया संयोजन, दूसरा बताया वियोजन। वियोजन का पहला पार्ट बताए कि वैद्युत अपघटन, और दूसरा बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं, फिर समझिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पहला था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यह तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला पढ़ाए वैद्युत अपघटन, उसमें तीन एग्जाम्पल दिए। दूसरा चल रहा है प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा अभिक्रिया प्रकाश, कौन प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, उसको कहा था फोटो, सूर्य के प्रकाश को फोटो। ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी। वियोजन डीकंपोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन। ध्यान से, केमिस्ट्री का वीडियो प्रारंभ नहीं हुआ है, सब ऐप पर है वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, फोटो एनर्जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वैसी वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्यों मिटाते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़े। सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है, संपन्न या पूरा होती है, के बाद संपन्न होती है या पूरा होती है, संपन्न या पूरा होती है, उसे प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं इसमें एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जो फर्स्ट है प्रयोग क्या ऐसा है, प्रयोग एक इस प्रकार से एक चाइना डिश, एक चाइना डिश लिया जाता है,
तो चाइना डिश वो डिश नहीं है, चाइना डिश का अर्थ होता है कि चीनी मिट्टी का प्लेट, चीनी मिट्टी का प्लेट मतलब वो सिरामिक्स, BIPV, SRCACUO, ये पढ़ाई तुमको विद्युत में पढ़ाएंगे, विद्युत में। तो चीनी मिट्टी का प्लेट उसका नाम है चाइना डिश। यानी इसमें जब कभी देखते होंगे आप लोग कि दवा का फक्की बनता है, एक कटोरा रहता है और जहाँ दवा वैसे चूर दिया जाता है उसको ऐसे घिसता है तो वह क्रियाशील नहीं है। अगर उसको कोई बर्तन में करेंगे, तामा में करेंगे, पीतल में तो क्रिया कर देगा उससे। चीनी मिट्टी का प्लेट है, विद्युत का कुचालक होता, क्रियाशील होती नहीं है, इसलिए उसमें दवा का फक्की बनता है, उसी नाम चाइना डिश है। एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड AgCl एक चाइना डिश लिया जाता है। इसमें AgCl सिल्वर क्लोराइड रखा जाता है क्लोराइड AgCl रखा जाता है जिसका रंग श्वेत होता है, उजला। ये चाइना डिश है। चाइना डिश है जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सनलाइट, रखा जाता है इससे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, Cl2 गैस। गैस बाहर निकल जाती है और तब पात्र में जो शेष बचता है, इस तरह से पात्र बचता शेष, ये पात्र है, बचता पात्र में काला रंग का चांदी Ag। प्रयोग क्या है, एक चाइना डिश में इस प्रयोग में चाइना डिश इसमें प्लेट चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड AgCl सिल्वर चांदी का एक Cl का एक कट गया AgCl क्लोराइड रखा जाता है।
जिसका रंग श्वेत होता है। श्वेत होता है जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्लोरीन गैस रखा जाता है CL2 बाहर निकल जाती है और डिश में केवल काला रंग का चांदी शेष रह जाता है। चांदी AG रह जाता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड AgCl क्लोराइड ये रंग श्वेत है। रखे हैं सूर्य के प्रकाश रखे सनलाइट बनता AG प्लस Cl2 इस चांदी रंग इसका काला होता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है क्योंकि यहाँ AgCl सूर्य के प्रकाश में दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में टूट जाती है या वियोजन हो गया। जहाँ एक पदार्थ से दो पदार्थ बनता है उसे वियोजन कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया हो गया। जो किसके उपस्थिति में हुआ, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में हुआ ही, जिसको कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया। AgCl बट गया दो भागों में Ag+Cl2, तो वियोजन हुआ, अपघटन हो गया सूर्य के प्रकाश में, तो चाला चांदी बना, क्लोरीन गैस बनता है। तो यह वियोजन अभिक्रिया हुआ, दो Cl यहाँ दो लगा देंगे, एक Cl यहाँ दो लगा देंगे। कैसी बोलेंगे कि प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश को फोटो एनर्जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें जो वैसी वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, वैसी वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल प्रयोग, एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा जाता है जिसका रंग श्वेत होता है, सिल्वर AG का एक Cl का एक वैलेंसी कट गया AgCl। एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड AgCl रखा जाता है जिसका रंग श्वेत होता है, जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है जिससे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, तो चाइना डिश में केवल
काला रंग का चांदी बचता है। तो यहां AgCl बट गया दो भागों में, क्लोरीन और चांदी, Ag+Cl, AgCl बटा दो भागों में वियोजन हो गया, और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति बटा, इसे इसको कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया। इसके अलावा यह कह सकते हैं रिएक्शन दो में, इसी रिएक्शन से दो एग्जांपल दिए इसमें, और इसी में दो एग्जांपल में और दे सकते हैं, मान लिया और दे सकते हैं इसको हम जैसे AgBr2 सूर्य प्रकाश में, सनलाइट में, सनलाइट Ag+Br2 के बाद है, दो लगा देंगे यहाँ, यहाँ दो लगा देंगे, क्लोरीन गैस Cl2 सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में Cl2 तो Cl+Cl बट गया दो भागों में, वियोजन अभिक्रिया है, क्लोरीन गैस है Cl+ क्या Cl वियोजन अभिक्रिया है, तो जब दो भागों में बट गया वियोजन हो गया, या सूर्य की प्रकाश में बटा तो प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैसेज कर यस या नो, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। अब एग्जाम्पल है 30 का 3, वियोजन का तीन भाग, वियोजन का तीन भाग, एक है तीसरा इसका है भाग, वियोजन तीन प्रकार के, वैद्युत अपघटन प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा है कि ताप, तापीय वियोजन अभिक्रिया, ये ताप से होता है थर्मल थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। किताब ले सकते हो सब, किताब ले बैठो, हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे, सिलेबस पढ़ा रहे हैं। थर्मल डीकंपोजिशन, रिएक्शन थर्मल तापीय डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो वैसी वियोजन अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न होती है, पूरा होती है, उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं,
कहते हैं। तो ताप से एक रिएक्शन इसमें दिया गया है किताब में कि जब इसमें FeSO4 7H2O यानी फेरस सल्फेट नाम है हरा कशिश या हरा थोथा फेरस सल्फेट हरा कशिश हेसोनाटा CuSO4 नीला है नीला कशिश CuSO4 FeSO4 हरा है और ZnSO4 श्वेत है। याद करो बेटे याद करो, ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री कहानी ना है ये। CuSO4 नीला, NnSO4 श्वेत, श्वेत कशिश, नीला कशिश, हरा कशिश। एक परखनली में हम लोग एग्जाम्पल एक प्रखंडली में फेरस सल्फेट रखा जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो शेष रंगहीन फेरस सल्फेट प्रखनली में रह जाता है और जब इसे और गर्म किया जाता है तो काला रंग का याद रखें बेटे काला रंग का फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड
और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। बनता है सब याद रखनी। पढ़ा क्या है? ज्ञान है, नहीं ज्ञान नथिंग। तो FeSO4 7H2O जब गर्म किया जाता है, गर्म करने पर ये फेरस सल्फेट हरा रंग का है, बन जाता है FeSO4 प्लस 7H2O। जल का अणु बाहर, जब गर्म करते हैं जल बाहर निकल जाएगा। अब यहां जल है, इसका नाम है निर्जल। फेरस सल्फेट निर्जल, फेरस सल्फेट बिना जल का है। हमने हटा दी उसको, सल्फेट प्लस 7H2O जल बनता है। जैसे इसको गर्म करेंगे, तो जल का अणु बाहर निकल जाएगा। सही सही होता है। फिर ज्वालक है, इससे गर्म किए हैं, जल का अणु बाहर निकल गया है। ये क्या है? रंगहीन, इसका रंग गायब हो गया। इसमें जल मिला था, ये हरा रंग का था। जब इसे गर्म किए तो निर्जल क्यों कहे? इसमें जल नहीं है। इसी नाम अनाद्र लवण, इसमें जल की मात्रा होती नहीं है, उस अनाद्र लवण कहते हैं। तो निर्जल ना जल का, इसमें 7 अणु जल था, यहां जल नहीं है। सब याद रखना पड़ेगा कि कॉपर सल्फेट CSO4 × 5H2O, फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। याद रखिएगा, जल निर्जल हो गया। तो इसको हम और गर्म किए, FeSO4 गर्म करने पर निर्जल फेरस सल्फेट गर्म किए बन गया Fe2O3। सब याद रखनी, सब याद रखे पर याद। Fe2O3 इसे केमिस्ट्री भारी थोड़ा सा है, फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड जो काला रंग का है, प्लस SO2
सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस SO3, जब समझा रहे हैं Fe का दो, Fe का फेरिक, फेरिक बताए थे फेरिक, Fe का तीन O का ला बदली Fe2O3 धातु, और धातु में दो लगा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई से बताए थे कि तीन वो कहते हैं ट्राई सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें प्रश्नली था इसमें रखे थे FeSO4 इंटू 7H2O है, इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसका नाम फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट है नीला का शीश, इसका नीला का शीश कहते हैं कि क्या उससे हुआ, उष्मा से दिए ताप से हुआ। देखिए यहाँ यहाँ दो वियोजन है, एक यहाँ भी वियोजन है एक यहाँ भी वियोजन है, पूछ बैठे परीक्षा में कि दो बार वियोजन कहाँ भी क्रिया में है। FeSO4 into 7H2O गर्म किया जाता है, F तो जल का अणु बाहर निकल जाता है, निर्जल FeSO4 plus 7H2O या रंगहीन होता है, हरा रंग गायब हो जाता है। जब FeSO4 को गर्म किया जाता है Fe2O3 plus SO2 plus SO3, यह याद करें से कि FeSO4 into 7H2O गर्म किया जाता है FeSO4 plus 7H2O, FeSO4 को गर्म किया जाता है Fe2O3 plus SO2 plus SO3 बनता है। देख सर अब बैलेंस कर दें, दो Fe यहाँ एक Fe दो लगा दो, दो सल्फर तो दो सल्फर, चार दुनी आठ हो तो तीन तीन छः छः दो आठ, इसको नाम ताप वियोजन अभिक्रिया। फिर समझ ली वियोजन का तीसरा प्रकार ताप वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न होती है उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, एक प्रखनली में फेरस सल्फेट जिसे हम लोग हरा कशिश कहते हैं, एक प्रखनली में फेरस सल्फेट रखा जाता है जिसका रंग हरा होता है, इसे गर्म किया जाता है तो जल का अणु बाहर निकल जाता है तो रंगहीन FeSO4 बचता है। तब FeSO4 को गर्म किया जाता है Fe2O3 plus SO2 plus SO3 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। FeSO4 into 7H2O गर्म करने पर FeSO plus 7H2O, FeSO गर्म किया जाता है Fe2O3 plus SO2 plus SO3 बनता है। मैसेज कर, मैसेज कर, अरे वाह वाह काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। काफी अच्छा जी, आवाज़ हो तो दो क्लियर हो गया।
कि रासायनिक अभिक्रिया संयोजन वियोजन, वियोजन में तीन पार्ट, वैद्युत अपघटन, प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया। अरे परीक्षा में तो हल्का है, परीक्षा में तो हल्का, खड़ी परिभाषा लिखो, एग्रीगेशन लिखो। अब आओ तीसरा पॉइंट मेन में आओ, जो बर्दाश्त देख रहा है, बर्दाश्त करके देख रहा है वो, तब तो सही चलेगा उसका, तो बर्दाश्त करा सही चलेगा उसका, लेसन खत्म होगा उसको तो मन लेगा, ऐसा बना जो क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट आओ, यानी रासायनिक अभिक्रिया प्रकार चल रहा है, पहला संयोजन जो सावियोजन, और तीसरा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन क्या समझें, तो बताए थे आपको वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कॉमा यौगिकों से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे एकल विस्थापन भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आगरा जो आएगा वो द्विविस्थापन होगा, ये सिंगल हो जाएगा। ये इस तरह की नाम परिचित है कि विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अधिक क्रिया से बताए थे कि ऐसे है ZN+, ऐसे देखिए ZN+ CuSO4, जस्ता ऊपर है Cu नीचे है, यदि इसको हटा देगा अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, चूंकि Cu को हटा दिया है तो ZnSO4+Cu विस्थापन हो गया, इसका विस्थापन हो गया, ये जस्ता सीयू हटाया है, सब सिखा रहे तुरंत। तो विस्थापन क्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील
क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को यौगिकों से हटा देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद कर जाओ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिकों से हटा देती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कम क्रियाशील तत्व को यौगिकों से हटा देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, तो यह मैंने तीन तरह के एग्जाम्पल इसमें है कि धातु के सल्फेट से विस्थापन, उसके बाद धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, और तीसरा है अधातुओं के द्वारा यौगिकों से विस्थापन। ऐसे इस एग्जाम्पल देंगे पहले कि विस्थापन क्रिया क्या है, जिसमें एग्जाम्पल फर्स्ट देंगे हम लोग फर्स्ट अधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा विस्थापन वो कैसे भाई, इसमें याद है ना, इसमें रखे हैं कॉपर सल्फेट, सल्फेट FeSO4 जिसका रंग, इसे हम कहते हैं नीला कशिश भी, नीला का शीश है। इसमें डालते हैं हम लोग लोहा का छर, लोहा का छर है, लोहा का छर,
सर है। हम कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि बिलियन का रंग देखते हैं हम लोग क्या, बिलियन का रंग बिलियन का रंग नीला से हरा हो जाता है, नीला से हरा हो जाता है। हरा हो जाता है यानी बनता फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4 हरा कशिश, नामे से हरा कशिश है या हरा थो था। अब देखो ऐसे क्या हो गया, सुनो अच्छा से। एक परख नली में है, दुगुन एग है, एक परख नली में कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 रखा जाता है, तो कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट रखा जाता है, इसमें जिसका रंग नीला होता है, इसका रंग नीला होता है, होता है। जब इसमें लोहा का छड़ रखा जाता है, तो कुछ समय के बाद कहता है, तो कुछ समय के बाद बिलियन का रंग नीला से हरा हो जाता है। बिलियन का रंग
नीला से हरा हो जाता है, रहता है, अर्थात फेरस सल्फेट बनता है। फेरस सल्फेट बनता है, फेरस सल्फेट बनता है और लोहा पर तांबा का लाल भूरा, तांबा का रंग होता है कैसा, लाल भूरा तांबा, तो लोहा, लोहा के छर पर, तो लोहा के छर पर छर पर तांबा का लाल भूरा रंग का परत, जमा हो जाती है, जमा हो जाती है। अब देख कैसे लग गया, तो बोलो ये किसका बिलियन है, कॉपर सल्फेट का बिलियन है। तो कॉपर सल्फेट बिलियन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है उसे बिलियन कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाने से बिलियन, घोल या मिश्रण बिलियन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला कशिश कहते हैं इसको, अब मैं दिए लोहा दिए Fe, अब बोलो Fe प्लस CuSO4 बोलो अधिक क्रियाशील Fe की CU, Fe है बताए थे क्रियाशीलता श्रेणी में कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम, Fe, CO, Ni, H, तब आता आपको यानी पी भी है, SN है, तब आपको आता है यहाँ, तब आता CO। तो CO की क्रियाशीलता कम है, जो CU है उसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है, किससे, Fe से, Fe ऊपर है, CU नीचे है, तो Fe इसको हटा देगा। बताए थे कि धातु यानी नमा पॉइंट धातु के सल्फेट से अभिक्रिया, कि जब धातु की अभिक्रिया धातु के सल्फेट से होती है, अधिक क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाले धातु को धातु के सल्फेट से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, उसे विस्थापन कहा जाता है। अधिक लिखने की लिखनी है कि रसायन के वजह से अधिक क्रियाशील तत्व, यहाँ तत्व क्यों लिखे, क्योंकि तो केवल धातु ने विस्थापन करता है और धातु भी करता है, बता रहे हैं तत्व लिखे हैं। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, यहाँ अधिक क्रियाशील कौन है, Fe कम कौन है, CuSO4। जो पीछे नहीं देखे हैं वीडियो उनको दिक्कत होता होगा, केमिस्ट्री है बाबू, तो Fe प्लस CuSO4 देखते भी रहेगा, देखते रहेगा वो सीख जाएगा, Fe प्लस CuSO4 तो Fe CU को हटा देता है, क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील है, CU कम क्रियाशील, इसको हटा देता है। अच्छा अब प्रश्न है कि Fe का वैलेंसी 2 भी और 3 भी, तो कम ताप पर, नॉर्मल ताप पर S, अधिक ताप पर, यहाँ ताप नॉर्मल है, कमरा का ताप है, S चलेगा, S चलेगा यहाँ, तो S चलेगा यहाँ,
एफ ई एफ ई ले 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 एफ ई प्लस सी एस ओ फोर तो कॉपर सल्फेट नीला है, एफ ई प्लस सी एस ओ अधिक क्रियाशील है, एफ ई सी यू को हटा देता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो एफ ई का वैलेंसी दो और सल्फेट का भी दो कट गया। हाँ हाँ वही आग तंग करते रहता है, ये आग तंग कर देता है। एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू एफ ई एस ओ फोर प्लस क्या है सी यू, अच्छा से पढ़ने लेना समझा, चलो हाँ चलो सेट। एफ ई प्लस यू एस ओ फोर एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू, एफ ई इसको हटा देता सी यू को, अधिक क्रियाशील नहीं पढ़ाए थे, एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू बनता फेरस सल्फेट। इसका रंग हरा होता है, जो तांबा है ये तांबा इसको हटा देता, तांबा जो है लोहा के परत पर जमा हो जाता है इससे। इसे तूतिया भी कहते हैं, इसे तूतिया भी कहा जाता है सी एस ओ फोर को, कॉपर सल्फेट को। अब बोलो तो विस्थापन हुआ कि नहीं, विस्थापन कौन किया, धातु किया विस्थापन कॉपर सल्फेट से। एक परख नली लेते हैं, एक परख नली में कॉपर सल्फेट सी एस ओ फोर का विलयन रखा जाता है जिसका रंग नीला होता है, इसे नीला कशिश भी कहते हैं, जिसका रंग नीला होता है। अच्छा इसको तूतिया भी कहा जाता है सी एस ओ फोर को, तो कॉपर सल्फेट सी एस ओ फोर नीला तूतिया है, इसमें लोहा का क्षार दे दिए। अब बोलो तो सी एस ओ फोर और लोहा दिए तो लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को धातु के सल्फेट से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो एफ ई प्लस सी एस ओ फोर सी हटा देगा, एफ ई एस ओ फोर प्लस क्या बनेगा सी यू, अधिक क्रियाशील एफ ई है यहाँ सी एस ओ फोर है, धातु के सल्फेट से उसको हटा देता है तो सी यू हट जाएगा, बचेगा यहाँ बचेगा एफ ई एस ओ फोर। और कम ताप पर ध्यान देना एफ ई वैलेंसी दो तीन, तो कम ताप पर दो एफ ई का भी दो एस ओ फोर का भी दो कट गया, एफ ई एस ओ फोर फिर सल्फेट इस हरा हुआ और जो तांबा मुक्त हुआ वह लोहा पर क्या जमा हो गया, ये तांबा देखिए ऐसे तो तांबा का लाल भुआ रंग का परत, तांबा का रंग का परत, तांबा का लाल रंग का परत जमा हो गया, इसका नाम है विस्थापन। शुरू से विस्थापन क्रिया किसको कहेंगे सुनना, तब मैसेज करना कि वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिकों से हटा देती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो धातु द्वारा विस्थापन एक प्रखनली में कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जाता है,
इसका रंग नीला होता है, इसे तूतिया भी कहते हैं, नीला कशिश कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। जब इसमें लोहा का छड़ डाला जाता है तो लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील है, तो लोहा तांबा को हटा देता है, अपना संग्रहण कर लेता है, तो अधिक बलवान कमजोर को हटा देता है, अधिक क्रियाशील एफ ही है, कम क्रियाशील इसको हटा दिया, एफ ही है, SO4 प्लस CU, CO से हट गया। CU जो है लोहा के परत पर क्या है, जमा हो जाता है लोहा पर, तो तांबा लोहा के तांबा जो है तांबा परत लोहा पर जमा हो जाता है, इसका नाम है धातु अधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा विस्थापन। इस पर क्वेश्चन आता है क्या होता है जब लोहा के चाकू को कॉपर सल्फेट अर्थात तूतिया में डाला जाता है। सही कहना है कि जब उसको डालते हैं तो लोहा के चाकू पर तांबा का परत जमा हो जाता है, तांबा जमा, क्योंकि कॉपर सल्फेट है, उसमें लोहा का चाकू डाले हैं तो लोहा अधिक क्रियाशील है, तांबा को हटा देगा, FeSO4 बनेगा, और लोहा पर तांबा का लाल भुरा रंग का परत क्या है, जमा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कहा जाता है इसमें कि विस्थापन अभिक्रिया हुआ। मैसेज कर अरे वाह, आप देखिए इस पर एक क्वेश्चन कर रहा था जी, पहला भाई देखिए, तो विस्थापन का एग्जाम्पल दे दी और इसमें हो सकता है, नहीं बताते पहले क्वेश्चन पहले विस्थापन एग्जाम्पल और देते हैं। देखा वो ऐसे मान लिया कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 ये आप एक बार दिए थे, बताए थे, एक एग्जाम्पल बताए थे, मान लो ऐसे मान लो ZN+ या Mg+ ZnSO4 Mg अधिक क्रियाशील रस्ता हटा देगा, अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, बन जाएगा आपको MgSO4 प्लस ZN, ये भी सही है, जिंक सल्फेट बहुत सा एग्जाम्पल है, ये मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एक जस्ता बनता है, बहुत से ऐसा एग्जाम्पल है, Ca+MgSO4 CMG को हटा देता है, अधिक क्रियाशील है, अपना संघन कर लेता है, बोलो जी, तुम बोलते हैं Ca+MgSO4 यहाँ क्या बनेगा, बोल दी मैसेज करो।
नमस्कार। नमस्कार जी, देखिए आपका पेज नंबर पढ़ा रहे थे ही। ये पेज पता नहीं चल, पेज नंबर 9 सब किताब हाटिम नेशनल में सब किताब मेरे पास है, आलू प्रकाशन सब किताब है। देते के बनाया है, बहुत अच्छा, देखिए तो लगातार दे रहा है, वाह काफी अच्छा। हाँ CA+MgSO4 हटा देगा ही, CaSO4 प्लस एम जी। अच्छा और एक सेशन दे देंगे, रिएक्शन दे देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट सल्फेट आज पर बता देगो AgNO3। इतने के पढ़ते मन से सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। Ag का वैलेंसी 1, NO3 का वैलेंसी 1 कट गया। अब प्लस यहां कॉपर देंगे, बताओ यहां क्या बनेगा, अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, क्या बनेगा। देखो ये तामा है, सिल्वर नाइट्रेट Ag का 1, NO3 का 1 कट गया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस तामा बनता है, सिल्वर नाइट्रेट। हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। सुनो हाँ सही है, सिल्वर नाइट्रेट। अभी मोटर नहीं चलाओ, नहीं अभी मोटर नहीं चलाओ, चलो देखो भैया, देखो यहां CuHgAg नीचे हैं AuPt, तो कॉपर यहां Ag है, तो कॉपर की क्रियाशीलता Ag से अधिक है, तो कॉपर हटा देगा, अपना स्थान ग्रहण कर लेता, तो हमेशा वैलेंसी 2 ही चलता है। जैसे लोहा में 2 चला, जहां समान ताप रहे हमेशा वैलेंसी 2 ही देना, तो कॉपर करेंसी के साथ 2 ही देना, यहां ताप सामान्य है, तो ऐसे करना Cu का होता है 1-2 बहुत सर लगता, हमें से Fe का 2-3, तो Fe 2 चलेगा, यहां भी 2 चलेगा इसमें, तो Cu का 2, Cu Ag को हटा देगा, तो Cu का 2 NO3 का 1 अदला बदली,
होल टू सी यू का दो एनओ थ्री का वन अदला बदली सी एनओ थ्री का होल टू सी यू थ्री का होल टू प्लस ए जी कॉपर नाइट्रेट प्लस चांदी बनता है सी यू प्लस कॉपर का कॉपर की क्रियाशीलता चांदी सदिक होती है इसलिए चांदी को हटा देता है अपना संघन कर लेता है समान ताप है तो कॉपर का वैलेंसी दो एनओ थ्री का वैलेंसी एक अदला बदली सीओ थ्री का होल टू प्लस ए जी चांदी बनता है करो बैलेंस ए जी एनओ थ्री यहाँ देखो क्या दो है एनओ थ्री एनओ थ्री दो एनओ थ्री एक यहाँ दो लगा दो दो ए जी दो ए जी एक कॉपर एक कॉपर ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। आप परीक्षा में कोई दे सकते हो सुन अच्छा से कि परीक्षा में आ जाता हो परीक्षा में आता ऐसे आता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं सुन लो परीक्षा समझी परीक्षा में ऐसे लिखना है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिकों से हटा देती उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे को देखल जाए सी यू प्लस ए जी एन ओ थ्री सी ओ थ्री का होल टू प्लस ए जी ये भी जैसे कहते एम जी प्लस जेड एन एस ओ फोर एम जी प्लस जेड एन एस ओ फोर प्लस जेड एन कोई रिएक्शन कोई मानी उसमें कुछ लिखना उखना कुछ नहीं है रिएक्शन देना है परिभाषा रिएक्शन ये भी दे सकते हैं एम जी प्लस जेड एन एस ओ फोर एम जी एस ओ फोर प्लस जेड एन को दे सकते हैं समझ में आ गया होगा। अब है इसका एग्जाम्पल दो दो धातुओं द्वारा द्वारा अम्लों से विस्थापन द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन यानी धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। अब तुम लेसन एक संभाल लिया लेसन दो हल्का तीन हल्का आज जो एक नहीं संभाल पाया वो बहुत महंगा पड़ेगा बहुत महंगा पड़ेगा रे। हाँ अब समझें अम्ल में हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक है बतू परिभाषा रॉबर्ट बॉयल लीवी डेवी लावजे परिभाषा दिया था। तो अगर हम यहाँ लेते हैं चिंता नहीं करना है संभाल लिया ये प्रखनली है नहीं ले कोई दिक्कत थोड़ी तीन वो काफी है।
और दर्शक आए हैं, तीन अलग अलग पात्र में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल नाइट्रिक अम्ल H2SO4 अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल किताब में और फिगर दिया है, उसमें चर्चा को फिगर दिया है किताब में, ये किताब में चर्चा फिगर दिया हुआ है, यहाँ चर्चा फिगर दिया है, देखो देख लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल हम तीन अलग अलग प्रखंडली में अलग अलग प्रखंडली में अलग अलग प्रखंडली में नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल रखा जाता है, तीनों प्रखंडली में जस्ता जेडन जेडन का टुकड़ा डाला जाता है, अब देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और इसमें जस्ता का टुकड़ा डाल दिए, जेडन का टुकड़ा, ये भी जस्ता टुकड़ा है, ये जस्ता टुकड़ा है, जस्ता टुकड़ा है। अब देखो तो यहां से क्या देखे प्रयोग में,
कि यहां से गैस बाहर निकलती है, H2 गैस, H2 गैस H2 गैस तो अब डरा जाता है। तो तीनों प्रखनली से आता है, तो जस्ता का, तो जस्ता की क्रियाशीलता, तो जाता जस्ता की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है, जिसके कारण जस्ता अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। एम जेड एन प्लस एस सी एल बताए थे, जेड एन प्लस इसमें एस सी एल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जेड एन प्लस एस सी एल, तो जस्ता सी एल को हटा देगा क्योंकि जेड एन क्रियाशीलता श्रेणी में जेड एन एम एन सी आर एफ ई सी ओ एन आई एस एन पी बी तब है एच हाइड्रोजन, यहाँ है तब है कॉपर। एक पढ़ाए थे इसको केमिस्ट्री का, डेली उसको याद करो तब समझ में आएगा। फिजिक्स तो था आसान। तो जस्ता मैग्नीज क्रोमियम लोहा कोबाल्ट निकेल एसएन पीबी हाइड्रोजन कॉपर इसको हटा देता है, तो जस्ता ऊपर है एच नीचे है, अधिक क्रियाशील जस्ता है इसलिए एच को हटा देगा, अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो जेडन हटाएगा एच को, तो जो क्या होगा तो सी एल जाएगा जेडन के पास, जेडन का दू सी एल का एक अदला बदली, जेडन सी एल टू प्लस एच टू, एच टू गैस बाहर निकलती है। इसे पढ़ाए थे याद हो, जिंक क्लोराइड एच टू गैस। उसके बाद बी में जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर, जस्ता एच को हटा देगा तो जेड एन का दू एस ओ फोर का दू, जेड एन एस ओ फोर प्लस एच टू, सी नंबर जेड एन प्लस एच एन ओ थ्री। मैसेज क्या बोल, क्या लिखे हैं, एनओ थ्री बोलो क्या लिखे हैं, हाँ गलती हाँ ये सही लिखा है, गोलू कुमार गौरव
होल हो जाएगा, होल। गलत बात है, गलत बात है जी। ZN प्लस HNO3, तो ZN का वैलेंसी 2, NO3 का 1, अदला बदली NO3 का होल 2, ZN NO3 का होल 2 प्लस H2। यहां धातु जो है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से जस्ता एच को, हाइड्रोजन को हटा दिया है, विस्थापन क्रिया हो गया ही। कि जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को यौगिकों से हटा देता है उसे विस्थापन कहते हैं। यहां धातु किसको हटाया है, अम्ल से किसको, एच को, एचिसको हाइड्रोजन हटाया है। ZN प्लस HCl, दस्ता वैलेंसी 2, Cl का अदला HCl 2 प्लस H2, ZN प्लस H2SO4, हट H2 बाहर निकल गया, तो ZN का 2, SO4 का भी 2 कट गया, ZN SO4 दस्ता हटा दिया H को, ZN का अदला बदली ZNO3 का होल 2 प्लस एच टू निकलता है। अच्छा आप देखिए हैं, तो दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो एच, तो दो एच बैलेंस हो गया, ये बैलेंस वाला है, दो एनओ थ्री, दो एनओ थ्री, दो एच बैलेंस हो गया। एक डी देते हैं अलग से हम, कि सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए, नहीं सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस ZN प्लस ZN प्लस सी एच थ्री सी डबल ओ एच, एस्टिक अम्ल है, एसीटेट, एस्टिक अम्ल, एच को हटा देगा, यहाँ अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, है ना, ई एच हटेगा इसमें, यहाँ एच, एसीटेट बढ़ जाएगा, एच को हटा देगा, एसीटेट हुआ, एसीटेट, जिंक एसीटेट, है ना, तो ZN प्लस सी एस थ्री सी डबल ओ एच, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एच को हटा देगा, देखो तो एसीटेट हुआ ही, एसीटेट, तो सी एच थ्री सी डबल ओ का वैलेंसी 1, अजस्ता का वैलेंसी 2, अदला बदली सी एस थ्री सी डबल ओ का होल 2 जेड एन, तो सी एस थ्री सी डबल ओ का होल 2 जेड एन, यहाँ बैलेंस में 2 लगा देंगे और प्लस एच 2, यहाँ 2 लगा देंगे। सब सिखाते हैं, कुछ सिखाते हैं इसको, इससे तो 3 को दिए थे, पहले इसको सीख लो पहले, तुम लोग आगे बढ़ते हैं तब सीख लो पहले, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, कि धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, तीन तीन अलग अलग प्रखनली में, तीन अलग अलग प्रखनली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल रखा जाता है, इसमें जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है, तो जस्ता हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण जस्ता अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, एच टू गैस बाहर निकल जाती है, ZN प्लस एस सी एल, सी एल जाएगा ZN के पास, तो ZN के वैलेंसी 2, Cl का अदला बदली ZN Cl2 प्लस H2। अच्छा H बाहर नहीं निकलता, H2, H नवजात होता है, कभी नवजात बाहर निकलता नहीं है,
क्या लिखिएगा, यानी कि इन्हें कैसे लिखिएगा, ऐसे एच एच होता है, एच नहीं ना, एच टू जब भी एच टू, एच होता है नवजात हाइड्रोजन, ये बाहर निकलता नहीं है, जब भी होगा तो यहाँ एच टू होगा, एच टू तो जस्ता एच को हटा दिया, एल टू प्लस एच टू, एन प्लस एच टू एस ओ फोर, एच टू हटा दिया, एन एस ओ फोर प्लस एच टू, एन प्लस एच एन ओ थ्री, एच को हटा दिया एच ने, जस्ट एच को हटा दिया एच ने, एच टू, एच टू होता है तो जेड एन का दो, एन ओ थ्री का एक, अदला बदली होल टू, बैलेंस कर दो, दो तो यहां दो, दो सी एल तो यहां दो सी एल, दो एच तो यहां दो एच, तब देखिए यही अम्ल की परिभाषा होती है। परे संधु में अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें उपस्थित हाइड्रोजन को धातुओं द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। संधु में अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन को धातुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है और उसका स्वाद खट्टा होता है। तब अच्छा थी तुम होल क्लियर, और तुमको उस नीचे सिखा रहे थे दो क्वेश्चन, तब हम आगे छोड़ देते हैं, ये जाम हो ली, अब इसको हम मिटा देते हैं पहले। जिसने की है एक अलग देते तुमको अलग, जिससे बता दे तुमको एसीटेट का, एसीटेट का बताए थे सी एस थ्री सी डबल ओ, एसीटेट का है हमको लिखना है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, पहले ये लिखाता है कि सी एस थ्री सी डबल ओ वैलेंसी वन, एन ए वैलेंसी वन कट गया तो सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए, तो सोडियम इस उल्टा पढ़ते हैं सोडियम एसीटेट, उल्टा पढ़ा जाता है इसे मैग्नीशियम एसीटेट, देखिए मैग्नीशियम एसीटेट, तो मैग्नीशियम पहले एसीटेट लिखेगा सी एस थ्री सी डबल ओ, ऋण मूलक है वैलेंसी वन, मैग्नीशियम का दो यहां लिखाएगा, अदला बदली सीख लो अच्छा से, अदला बदली सी एस थ्री सी डबल ओ दो, एम जी एक तो सी एस थ्री सी डबल ओ का होल टू एम जी, ये मैग्नीशियम एसीटेट, हमको लिखना है कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट पर लिखो एसीटेट का सी एस थ्री सी डबल ओ का वन, कैल्शियम का सी ए दो, अदला बदली सी एस थ्री सी डबल ओ का होल टू सी ए, एक वहां चल जाएगा, ये कैल्शियम उल्टा पढ़ते हैं सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सी एस थ्री सी डबल ओ पहले एन ए बाद में, कट गया दोनों वैलेंस एक होता है, तो सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए सोडियम एसीटेट, आता है वैलेंस एक बात देंगे एग्जांपल, इसमें देते हैं एग्जांपल देते हैं, ऐसे कोई पूछ दे एग्जांपल में ऐसे कि जेड एन प्लस सी एस थ्री
सी डबल ओ एच ई एस टी का अम्ल है, एस टी का अम्ल योर यूनिक कंपाउंड है, ई एस टी का अम्ल है, ये कैसे हटेगा भाई? हटेगा ऐसे जेड एन प्लस सी एस थ्री सी डबल ओ एच ई एच हटेगा यहां से, ये एच हटेगा यहां जस्ता, इसको हटा देगा तो देखो तो सी एच थ्री सी डबल ओ एच तो हट गया, इसका वैलेंस सी वन एसीटेट एसीटेट हो गया, जस्ता जेड एन स्थान ग्रहण कर लेगा, इस एच को हटा रहा है स्थान यहां ग्रहण कर लेगा, इसका वैलेंस सिद्धू अदला बदली तो सी एस थ्री सी डबल ओ का होल टू जेड एन तो हो जाएगा ये कि सी एस थ्री सी डबल ओ का होल टू जेड एन प्लस एच टू, ये वह सोडियम जस्ता एसीटेट जिंक एसीटेट, ये पहले लिखाता है सब सीखो जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट हाइड्रोजन गैस यहाँ एसीटेट सी एस थ्री सी डबल ओ दो गो है, यहाँ एक है देखो सी एस थ्री सी डबल ओ दो, यहाँ एक यहाँ दो लगा दो तो दो एच और दो एच बैलेंस हो गया ही, यहाँ यहाँ दस्ता किसको हटा दिया एच को, एस टी का अम्ल है, अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन जस्ता अधिक क्रियाशील है, यहाँ एसीटी काम्ल से एच को हटा दिया ना जिंक एसीटेट, एसीटेट का वैलेंसी वन जिंक का दो अदला बदली सी से ओ का होल टू जेड एन प्लस एच टू गैस बनता है ना। अब तब बताइए कि क्या होता है जब लोहा के चाकू को कॉपर सल्फेट या तूतिया में डाला जाता है, हमें बस एक नाम कह मित्र कि जब लोहा के चाकू को कॉपर सल्फेट या तूतिया में डाला जाता है तो लोहा के चाकू पर तांबा का लाल भूरा रंग का प्रत जमा हो जाती, बस इतने का जमा हो जाती है। बताए थे कि अगर Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu इसको हटा दिया, लोहा का चाकू है ये तूतिया है इसमें हम लोग दिए हैं तो यहाँ तो लोहा पर तांबा पर जमा हो गया, जब विस्थापन अभिक्रिया है, बस इतने कहना है कि लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा का चाकू तांबा को हटा दे वहां से और लोहा के चाकू पर तांबा का लाल भूरा रंग का प्रत जमा हो जाएगा, इसी नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अरे परीक्षा में तुमको एक देना है, अरे परीक्षा में जब आता है ना तो एक दिखेंगे, परीक्षा ऐसे आ गया कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला यौगिक कम क्रियाशील वाले यौगिक को, यौगिकों अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को यौगिकों से हटा देता है उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। कोई एग्जाम्पल नहीं दे कि जो जैसे सी यू प्लस या यहाँ दे देंगे एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर एफ ई एस ओ फोर प्लस एच टू जेड एन प्लस एस सी एल एड एन सी एल टू प्लस एच टू कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टाइम हो रहा नहीं है, रुक जाइए।
रुके 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 रुके, देखते हैं बैटरी लो हो रहा, देखते हैं। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसा करो कि तुमको अब कल पढ़ा देंगे, आप जो शेष बचा है। आज जो दिक्कत होता है तुम लोगों को कि हमको यहाँ दिक्कत है, तो हमको स्पेशल कॉल करो, हम जैसे अभी जाएंगे, अभी मोबाइल उठा लेंगे, 6602848530 मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। कल से आप पढ़ाएंगे 6602848530 इस पर कॉल करो हमको, तो दिक्कत है वो कॉल करो कि अभी से 9 बजे से 12 बजे तक तुम कर सकते हो, और सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कर सकते हो। बाकी हम पढ़ाते हैं आगे 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, फिर 7 से 9, इसे पढ़ाते रहते हैं सर हम लोग। इसलिए दिक्कत को बचत करना, तुमको चिंता नहीं करना, वो हम बहुत पढ़ा देंगे। अब कल पढ़ाएंगे आपको, आज छोड़ देते हैं, अब कल बताएंगे। कैमरा ले लिए, कैमरा ले लिए हम, अब कैमरा से भी पढ़ाएंगे। छोड़ते हैं,